और चंडीगढ़ में चुनाव का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। आज दोनों याचिकाएं जो है हाईकोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मेयर प्रत्याशी कुलदीप टीटा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जल्द चुनाव कराने की मांग की गई है। तो चंडीगढ़ में चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट में है। इस मामले में दो अलग अलग याचिकाओं पर जो है आज सुनवाई होनी है। एक याचिका 18 जनवरी को चुनाव टलने के खिलाफ है और ये याचिका जो है आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप टीटा ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी। अब दूसरी तरफ याचिका चंडीगढ़ मेयर चुनाव की नई तारीख को लेकर जो है, अब दरअसल चुनाव की जो नई तारीख है वो 6 फरवरी की तय की गई है और 20 फरवरी को दूसरी याचिका यानी चुनाव की नई तारीख के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। अब इस दौरान हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, पुलिस और निगम को नोटिस जारी कर 6 फरवरी की जगह चुनाव के लिए उससे पहले तारीख तय करके बताने को कहा था और 6 फरवरी को चुनाव की तारीख तय करने के खिलाफ गठबंधन के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप टीटा ने याचिका लगाई थी। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जो मामला है हाईकोर्ट में है और चुनाव की नई तारीख जो है 6 फरवरी की तय की गई थी। तो आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हरसिमरत पॉल लाइव जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जो मामला है हाईकोर्ट जा पहुंचा है और इस मामले में जो है याचिकाएं दायर की गई हैं। फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? आज दोनों याचिकाओं की हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बिल्कुल तमन्ना, आपको बताएं कि आज जो याचिकाओं के ऊपर सुनवाई होनी थी उन दोनों को क्लब कर दिया गया है। ये गठबंधन प्रत्याशी इंडिया के गठबंधन प्रत्याशी कुलदीप टीटा की तरफ से ये याचिकाएं लगाई गई थी और इसकी जो सुनवाई थी वो दोनों की 23 तारीख को रखी गई थी, तो इनको क्लब कर दिया गया है। आपको बताएं कि इनमें से एक में डीसी के आदेशों को लेकर के चैलेंज किया गया था, जिसमें कि रिप्लाई फाइल करना था और कोर्ट की तरफ से विस्तृत रिप्लाई इसमें मांगा गया था और वहीं पूरी डिटेल के साथ आज प्रशासन ने इसके बारे में जानकारी देनी थी। पर उससे पहले जब ये रिप्लाई फाइल करना था तो कोर्ट समय मांग लिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा, तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि इसके बारे में जो सुनवाई है वो थोड़ी देर में होगी और जो डीसी के आदेश है उसे मिनट टू मिनट रिकॉर्ड करने के बारे में भी कहा गया है। आपको बताएं कि अभी फिलहाल सुनवाई जो है वो शुरू नहीं हुई है, कुछ देर में होगी। पर ये जो याचिकाएं हैं ये 19 तारीख को लगी थी क्योंकि 18 तारीख को मेयर का चुनाव होना था और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने के चलते ये चुनाव नहीं हो पाया था, तो उसके बाद डीसी ने आदेश किए थे कि 6 फरवरी को जो है वो अगले चुनाव करवाए जाएं, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन के वकील जो हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए थे और यहां आकर के उन्होंने एक जो याचिका है वो दायर की थी। आपको बताएं कि उस समय महज 36 घंटों के बीच 3 याचिकाएं जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से डाली गई थी, जिनमें से एक का निपटारा कर दिया गया था और 2 की तारीख जो है वो आज 23 मुकर्रर की गई थी। और अब जो कुछ ही देर में हाई कोर्ट में ये सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और देखना होगा कि कोर्ट आखिरकार इस बारे में क्या बयान देता है, क्योंकि कोर्ट का सख्त लहजा था एमसी चुनावों को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, तो ऐसे में 6 फरवरी जो है इसकी डेट क्यों दी गई है, तो इसके बारे में भी जानकारी आज थी। और साथ ही साथ जो डीसी हैं उनकी तरफ से 6 तारीख ही क्यों मुकर्रर की गई, 18 जनवरी को अगर चुनाव था तो उसके बाद पहले भी डेट दी जा सकती थी। हालांकि 22 जनवरी को जिस तरह देखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं अपनी श्रद्धा को देखते हुए छुट्टी भी कई जगह पर की गई थी, तो उसके बाद 26 जनवरी का अलर्ट जिस तरह से गणतंत्र दिवस को देखकर लिया गया था, तो उसके बाद की कोई तारीख या उसके बीच की कोई तारीख जो है वो क्यों नहीं रखी गई, 6 फरवरी ही क्यों रखी गई, इस मामले को लेकर के थोड़ी देर में अभी सुनवाई होगी। जी हरसिमरत, बिल्कुल, जिस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बीमार होने के बाद चुनाव अचानक से टाल दिए गए थे, ये कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बदला भी जा सकता था और अब इसमें जो है सियासत लगातार गर्माती जा रही है। ये मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है, अब सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चुनाव हो और ये फैसला हो पाए कि नया मेयर अब चंडीगढ़ का कौन बनेगा। बिल्कुल, नए मेयर को लेकर के बहुत चर्चाएं थी। ये वाला जो चुनाव था वो बड़ा दिलचस्प होने वाला था क्योंकि इस बार एक तरफ भाजपा थी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि गठबंधन के पास 20 वोट थे और 19 वोट जो है वो मेयर बनाने के लिए चाहिए होते हैं। वहीं पर अगर भाजपा की बात की जाए तो उनके तरफ 14 वोट थे और एक अकाली दल का वोट था, तो ऐसे में देखा जाना था कि किस तरह से इस बार जो मेयर का दबदबा है वो भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछली बार 2016 से लेकर के 2022 तक बनाती आई है, क्या वो बरकरार रख पाएगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो जीत पाएगा। तमन्ना, ये चुनाव अहम इसलिए भी थे क्योंकि इंडिया गठबंधन हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है, रिप्लाई फाइल करने के लिए जो है समय दिया जाए, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मेयर चुनाव मामले में यूटी प्रशासन का भी बयान सामने आया है।
कहा कि रिप्लाई फाइल करने के लिए समय दिया जाए, समय मांगा जा रहा है, तैयार है चंडीगढ़ पुलिस अधिकारी, आना पड़ सकता है कोर्ट। ये हाईकोर्ट का बयान है जी। हरसिमरत, थोड़ी देर में जो है सुनवाई होनी है, अब चंडीगढ़ प्रशासन का भी इस पर बयान सामने आ गया है। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि रिप्लाई फाइल करने के लिए अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, रिप्लाई फाइल करने के लिए आज समय मांगा जा रहा है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। अभी इस मामले में सुनवाई होनी है और इसको लेकर के कोर्ट ने यह भी कह दिया है, सारा ऑफ द कैमरा जो है वो रहा है कि मिनट टू मिनट जो है उसको रिकॉर्ड भी किया जाए और आज की जो सुनवाई होनी थी उसी में प्रशासन के द्वारा ये जो रिप्लाई है वो फाइल किया जाना था। पर उससे पहले ही, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज की सुनवाई को टालने के लिए ये चीज हो सकती है कि रिप्लाई फाइल करने के लिए और समय मांग लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 19 तारीख को इसके मामले में सुनवाई हुई थी तो उसके बाद आज 23 तारीख इसके लिए रखी गई थी, यानी कि प्रशासन को इन 3-4 दिन का समय जो है वो कम पड़ गया है और आगे का समय जो है वो मांगा जा रहा है। और आगे का समय अगर दिया जाता है तो जाहिर तौर पर 26 जनवरी जिस तरह से देखा गया कि गणतंत्र दिवस है उसके बाद का समय होगा, और इसके बाद की अगर बात की जाए तो 6 फरवरी के लिए तो डीसी के आदेश ही है। जी जी हर्षवर्धन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।